अपर्णा जी, चाय प्लीज। जयदेव जी, ये चाय पीने पिलाने की फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आई हूं मैं यहाँ। चाय बिस्किट से सीरियस बात है मेरे पास करने के लिए। जी कहिए। जयदेव जी, जो ये 15-15 दिन का अग्रीमेंट है, मैं उसे तोड़ रही हूं। मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी, बल्कि मैं अगेंस्ट हूं इस पूरे ड्रामे के। पल्लवी ने जॉब छोड़ दी, आकाश पर इंक्वायरी बैठ गई। शॉर्ट में कहूं तो दोनों का करियर इस वक्त डामाडोल। आकाश पे इंक्वायरी, ये दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट जयदेव जी, ये हुआ है ये काफी। आप हमेशा कहते हैं कि आपके लिए आपकी बेटी की खुशियों से ऊपर कुछ भी नहीं, तो उसे अपनी घर गृहस्थी संभालनी चाहिए ना? पर आप वो होने ही नहीं दे रही। जरा सोचकर देखिए क्या किया है आपने। अपनी बेटी के रास्ते में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर तो आप हैं। वो तो बच्चे हैं, पर आप तो बच्चे नहीं है ना जयदेव जी। आप तो रोक सकते हैं उनको, पर आप रोक ही नहीं रहे। पूरी की पूरी प्रथा उल्टी करने पर आमादा है। आपकी बेटी की जिद में आपकी बेटी का घर तोड़ने पर तुले हुए हैं। जयदेव जी, आपको किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि ये पूरी की पूरी बात इम्प्रैक्टिकल है? आपकी लाइफ का भी तो कोई तजुर्बा होगा ना, लेकिन ये कहीं से भी सुलझे दिमाग वाले बाप के गुण नहीं है। आप सेल्फिश हो गए हैं। हो सकता है ये बात आपसे पहले भी किसी ने कही, आई डोंट नो, पर मुझे लगता है कि अगर आज पल्लवी की माँ होती तो 100% ये नहीं होता। पल्लवी के संस्कार अलग ही होते। ये आपका फेलियर है जयदेव जी। अपर्णा जी, आप जो कह रही हो ठीक है, लेकिन आपकी सोच गलत है और मैं यहां आपकी सोच को ठीक करने का बीड़ा नहीं ले सकता। मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी खुश रहे, अपने ससुराल में खुश रहे, अपने सास ससुर के साथ अपने पति पे फोकस करे, पर मेरे परवरिश पर सवाल उठाने का हक ना आपका है ना किसी और का। आप मां है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मैं मां और बाप दोनों, मेरा दर्द कोई नहीं समझेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.